हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। घटना किस प्रकार से हुई, जनता के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी, लोगों के लिए ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, ऐसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, और क्योंकि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है, और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृहमंत्री जी ने लिया है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर, और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम में गए हैं, नेक्स हॉस्पिटल में गए हैं, सभी जगह गए, और हमारे प्रशासन के लोगों ने त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, NDRF, SDRF, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाएं, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएँ जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा कर उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, और उनके परिवारजनों पर जिन पर असमय ऐसा दुख है, उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और जो घायल हैं उनको हर तरह से उनके जीवन बचाव हो पाए, वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ हों, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर, 2002 का एन एच है और अभी तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया, कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने अभी प्रस्ताव दिया है भारत सरकार। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।